सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है रिलेटेड सिविक्स चैप्टर 9 और जिसको अर्बन लाइवलीहुड जो कि सिविक्स का चैप्टर है, SST का, क्लास 6 का CBSE चैप्टर है, CBSE NCERT दोनों है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हम पहले इस चैप्टर का एक बार ही ले लेते हैं, पर उससे पहले हमने समझना है अर्बन लाइवलीहुड को कि अर्बन लाइवलीहुड है क्या। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक जो है वो हमने पहले भी आई थिंक कंसल्ट कर लिया था, ठीक है। हाँ, आई थिंक इससे पहले वाला चैप्टर वही था। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन वाला वो जो चैप्टर है वो चैप्टर रूल के बारे में था जो कि टाउन्स और सिटीज़ के अंदर फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्बन लाइवलीहुड। अर्बन का मतलब हमें पता है टाउन, सिटीज, ETC, ठीक है। देन लाइवलीहुड मीन्स द हाउ द पीपल लिव देयर, ठीक है। कैसे पीपल लिव करते हैं वहाँ पर, कैसे पीपल एग्जिस्ट है वहाँ पर, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। सो मेनली हम अभी इंट्रोडक्शन को क्लियर करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका। हमें एक पीपल को अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि खाना, क्लोथ्स और एकोडोमिनेशन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। आप इस वर्ड एकोडोमिनेशन में मतलब ज़्यादा इस वर्ड को कंसल्ट में मत लेना। एकोडोमिनेशन का मतलब होता है निवास, ठीक है, अपना घर बसाने के लिए उसे बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो इन सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पैसों की, और पैसों के लिए हमें करनी पड़ती है जॉब्स, ताकि हम जॉब करें, अर्न करें और अपनी लिविंग्स या फिर निवास को बसा सकें, ठीक है। सो नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन में भी कैटेगराइज्ड इनटू 3 degrees, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, ठीक है। सो अब हम ऑक्यूपेशन के टाइप्स को क्लियर करने वाले हैं कि ऑक्यूपेशन के कितने टाइप्स हैं। सबसे पहले हम लोग कंसल्ट करेंगे प्राइमरी ऑक्यूपेशन को। व्हाट डज दिस वर्ड प्राइमरी ऑक्यूपेशन मीन्स? सो पहले हम लोग ऑक्यूपेशन की बात करें। ऑक्यूपेशन मतलब कि जो भी काम हम कर कर अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, ठीक है। ओके, सो ऑक्यूपेशन का मतलब हमें पता चल गया। अब प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होता है इसको समझते हैं। प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज एन ऑक्यूपेशन विच इज रिक्वायर्ड टू गेट नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन वो ऑक्यूपेशन होती है जिसके अंदर हमें नेचुरल रिसोर्सेज को फाउंड करने के लिए उस ऑक्यूपेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोग फार्मर्स का एग्जांपल लेते हैं। फार्मर्स हमें बहुत सी नेचुरल रिसोर्सेज देते हैं, जैसे कि फाइबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, कॉटन, जूट, और यू हैव रिटन आई थिंक इन साइंस चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, उस वाले चैप्टर के अंदर भी कॉटन, जूट और बहुत सी चीज़ों की बात करी गई थी। तो वो सारी चीज़ें नेचुरली ऑप्टेन होती है, और उसे ऑप्टेन करने वाला कौन होता है? फार्मर, ठीक है। वही फार्मर उसे ऑप्टेन करता है, तो वो फार्मर जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आएगा, ठीक है। और फिर फार्मिंग जो उसका ऑक्यूपेशन है वो भी आप लिख सकते हैं। देन काउ हर्डर्स, काउ के जो हर्ड्स होते हैं वो भी नेचुरली काउ ऑप्टेन होती है और नेचुरली ही वो मर जाती है। तो वो ऑप्टेन होती है तो उसके अंदर जो बंदा वो काम कर रहा है वो क्या नाम है, उसकी हेल्प कर रहा है ना वहाँ पर, तो वो भी प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज देती है। काउ हमें नेचुरल रिसोर्सेज देती है, मिल्क, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज फिशरमैन जो होता है वो हमें फिशेज़ प्रोवाइड करता है, और फिशेज़ प्रोवाइड करते हैं तो फिशेज़ नेचुरली हमें मिलती है, तो ये भी प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर आएगा। देन माइनर्स भी क्या नाम है, माइन जो करते हैं उसके अंदर नेचुरली इंग्रेडिएंट्स हमें मिल जाते हैं, जैसे कि कोल, एमराल्ड एंड डायमंड, ETC। सो ऐसे बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये जो माइनिंग भी है ये भी हमारी प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर आएगी। देन और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, व्हाट इज दिस सेकेंडरी ऑक्यूपेशन? सो
Okay, so mainly secondary occupation is an occupation in which the raw materials are converted into any useful material. ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक भर बढ़ गया था, प्लास्टिक लोग यूँ ही फेंक कर चले जाते थे, तो प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स का कैसे यूज़ करने लग गए लोग, और प्लास्टिक की कितनी चीज़ें बनने लग गई. तो वो जो प्लास्टिक की चीज़ें बन रही थी उनको लोगों ने फेंक कर छोड़कर उससे कुछ डेकोरेटिव से इंग्रेडिएंट्स बनाने शुरू कर दिया, तो वो भी एक टाइप से सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ही था. लेकिन उसके अंदर हमें कुछ अर्निंग नहीं हो रही थी, ठीक है, वी आर जस्ट डूइंग फॉर अस ओनली. ठीक है, तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वो ऑक्यूपेशन होती है जिसके अंदर अनयूजबल मटेरियल्स को या फिर रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल मटेरियल्स में, जो कि हमारे लिए यूजफुल होते हैं. ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहाँ पर क्या नाम है, कूड़े कचड़े को रिपेयर किया जाता है और फिर उससे नया बनाया जाता है, तो वही चीज़ इसके अंदर मेनली हमें मिलती है. देन टेरिटरी और क्वार्टरली ऑक्यूपेशन. ठीक है, ये जो ऑक्यूपेशंस होती हैं, ओके, सो मेनली दिस मीन्स वन पर्सन हु इज गिविंग वेरियस सर्विसेज टू अस. एक सर्विस तो वो दे ही रहा है, साथ साथ तो वो और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हमें, तो वो शेरेश्री टेरिटरी बोलो चाहे वो शेरेश्री बोलो, एक ही बात है. और क्वार्टरली ऑक्यूपेशन के अंदर आता है, जैसे कि यहाँ हमें बहुत से दे रखे हैं, जैसे कि टीचर, बैंकर, पोस्ट ऑफिस. ठीक है, अब हम आगे. सो नाउ हियर इज एन एक्टिविटी फॉर यू, सो सी दिस प्रॉपरली. सो हियर इज द एक्टिविटी फॉर यू, देयर इज अ ब्रेन टीजर फॉर यू. राइट एनी फाइव ऑक्यूपेशन इन द ईच एंड यू कैन राइट इन योर नोटबुक हेडिंग दीज टेबल्स. ठीक है, इस टाइप से आपको टेबल की हेडिंग डालकर इसको सॉल्व आउट करना है. सो नाउ गो टू द अनदर. ओके, सो टाइप्स ऑफ अर्बन जॉब्स और बिजनेसेस. ठीक है, तो अर्बन जॉब्स, अर्बन मीन्स जो टाउन्स और सिटीज़ के अंदर मेनली जॉब्स हमें फाइंड होती हैं, वो जॉब्स और जो बिजनेसेस वहाँ पर फाइंड होते हैं. बिजनेस इज नोन एज इन कंपनी और एंटरप्राइज और अ फर्म. मीन्स बिजनेस वो होता है जो कि एक कंपनी होती है, या फिर एंटरप्राइज मीन्स दो लोग मिलकर काम करते हैं. और इट इज़ एन लीगली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइंड टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज और बोथ टू द कंज्यूमर्स इन द एक्सचेंज फॉर मनी. सो मेनली हमने बहुत से बिजनेस अपने सराउंडिंग में देखे हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कोई कंपनी है. ठीक है, वी कैन से दैट एनी कंपनी इज देयर इन अ सराउंडिंग एंड हम स्विचेस लेकर आते हैं. हम खैर छोड़ो, स्विचेस को भी लेफ्ट आउट. अगर आपके फादर ही शायद कोई बिजनेस करते हों, जैसे हॉकर हों, स्ट्रीट वेंडर हों, तो उस टाइप से भी क्या नाम है, अर्बन जॉब्स को लिया जाता है. और हॉस्पिटल वर्कर हों तो वो भी एक टाइप से उनका बिजनेस ही है, लेकिन नॉन बिजनेस है, ओन बिजनेस है. ठीक है, ओन बिजनेस मेन इसके अंदर हम पढ़ेंगे. और इसके अंदर क्या होता है, हम लोग उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उसके एक्सचेंज में हमें मिलता है मनी. ओके, सो नेक्स्ट, बिजनेस पर्सन आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट दे आर एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ पर्सन. बिजनेस पर्सन जो होता है वो क्या नाम है, किसी एक से एम्प्लॉय नहीं किया जाता, किसी कोई भी ऐसे ही एम्प्लॉय कर दे उसे. बिजनेस पर्सन बहुत से पीपल्स से एम्प्लॉय किया जाता है, मीन्स चूज किया जाता है. ठीक है, सो देन अब हम इसके टाइप्स को रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसके टाइप्स क्या है. एक मिनट, जस्ट वेट फॉर वेल. ओके, सो अब हम स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स की बात करेंगे. सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स क्या होता है. सो वेट फॉर वेल, ओके, स्ट्रीट वेंडर्स क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं. मेनली स्ट्रीट वेंडर्स को हमने अपनी सराउंडिंग में देखा ही है. स्ट्रीट वेंडर्स वो
पर्सन्स या फिर मैंस होते हैं जो कि यहाँ रोडों के ऊपर घूमकर सब्जियां बेच रहे होते हैं, कुछ कंगन बेच रहे होते हैं, है ना, तो अपना ओन बिजनेस उन्होंने शुरू कर रखा होता है। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स मीन्स मेनली वही होता है। ठीक है, और इसको अब हम पिप्टी के थ्रू समझ लेते हैं। दीज आर द पीपल हु डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड प्लेस फॉर वर्क, दे सेट अप देयर शॉप दैट कैन बी ईजिली डिसमेंटेड and sell products to earn their livings. So, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो persons होते हैं वो एक प्लेस के ऊपर काम नहीं करते, जैसे बिजनेस पर्सन होते हैं, जॉब पर्सन होते हैं, वो एक प्लेस पर ही जाते हैं और वहीं पर ही काम करते हैं और कहीं पर काम नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से पर ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ये अपनी खुद की शॉप खड़ी करते हैं और हर जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, मीन्स ढेले लेकर जैसे लोग जाते हैं मेनली और अपनी लिविंग्स को अर्न करते हैं। ठीक है, स्ट्रीट वेंडिंग इज एन बिग हेड स्टार्ट फॉर फ्री फ्लोइंग ऑफ ट्रैफिक इन द सिटीज एंड द गवर्नमेंट हैज मेड हॉकर ज़ोन्स वेयर दे हैव अ प्लेस टू वर्क एंड ऑल्सो देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक, देयर आर हॉकर यूनियंस हु पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स टू द गवर्नमेंट। स्ट्रीट वेंडिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ म्युनिसिपल वर्क ऑफ पीपल टू अर्न देयर लिविंग्स। सो मेनली इसके नाम में हमारी बात करी गई है कि जो स्ट्रीट वेंडिंग्स होती हैं ये बहुत ही बड़ा बाजार टाइप, मतलब बहुत ही बड़ा एक बिजनेस शुरू हो गया है स्ट्रीट वेंडिंग का, बहुत से लोग स्ट्रीट वेंडिंग करते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो मोस्टली लोग ट्रैफिक के अंदर ही क्या नाम है जाकर स्ट्रीट वेंडिंग, मतलब कुछ लोग स्ट्रीट से रोड के साइड में बैठे होते हैं और आगे से ट्रैफिक जा रहा होता है। पर अब गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है, एक हॉकर जोन बना दी है जिसके अंदर वो लोग आराम से बैठे रहते हैं साइडों में और बाजार टाइप से उन्होंने क्रिएट आउट कर दिया है, वो आराम से लोग आराम से जाते हैं और आराम से वापस हो लेते हैं। ठीक है, सो देयर आर ऑल्सो हॉकर यूनियंस हु पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड्स टू द गवर्नमेंट। सो मेनली कुछ यहाँ पर हमें हॉकर यूनियंस भी होते हैं जो कि अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट से करवाते हैं या फिर करते करवाई जाती है। और स्ट्रीट वेंडिंग जो होती है ये एक राइट है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कि वो अपनी लिविंग को अर्न कर सकते हैं। सो सो अब हम एंट्रीप्रीन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स समटाइम्स इन्वेस्ट मनी टू टेक देयर लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सेटअप देयर बिजनेस एंड क्रिएट स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर द अदर पर्सन्स दे आर नोन एज द बिजनेस मैन और एंट्रीप्योर। सो मेनली कुछ पर्सन्स जो होते हैं, कुछ वर्कर्स जो होते हैं, जब उनके माइंड में ये आता है कि हम कुछ मनी इन्वेस्ट कर और गवर्नमेंट से लोन लेकर अपना बिजनेस खुद सेटअप करें और एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपना भी एक नाम रखें, तो इस इन जो ये जो पर्सन्स होते हैं जब ये आगे जाकर अपनी मतलब सफलता ले लेते हैं तो उन पर्सन्स को हम लोग बिजनेसमैन या फिर एंट्रीप्रियोनर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेली वेज लेबर्स। डेली वेज लेबर्स आपने अपने घर के सराउंडिंग्स के अंदर देखा ही होगा, ऑब्वियस है। आपके घर के सामने अगर किसी का घर बन रहा है तो आपने देखा होगा, अगर आप रोड से पास हो रहे हो तो वहाँ पर भी घर बन रहे होते हैं, बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, तो वहाँ पर भी मेनली हमें मिल जाते हैं और नहीं तो रोड पर भी बैठे ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर अब बात करें आप किसी बस स्टॉप से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे लेबर्स दिखाई देते हैं जो कि क्या नाम है कूली बोल सकते हैं जैसे आप, जो कि आपका सामान लगेज उठाते हैं और फिर अपना पैसा ले लेते हैं, है ना। तो इस टाइप से ये जो लेबर्स होते हैं ये डेली वेज लेबर्स होते हैं हर रोज़ का कमाते हैं और हर रोज़ अपनी लिविंग को एग्जिस्ट करते हैं। In cities at labor chocks, daily wage laborers is able to be hired by an employer. They generally work as a help. जो सिटीज़ होते हैं वहाँ पर लेबर चौक्स लगे होते हैं, मीन्स जहाँ पर बहुत सारी लेबरों की टोली बैठी होती है और वहाँ
वो एक एम्प्लॉयर से मतलब जो भी उनका बड़ा होता है, जो जिन्होंने भी उसे अपने काम पर रखा होता है, वो एक हेल्पर की तरह काम करते हैं। लेबर्स जो होते हैं वो एक हेल्पर की तरह काम करते हैं उनके, ठीक है। दे वर्क ऑन अ टेम्परेरी बेसिस ऑफ, डू नॉट गेट अ सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ। ये जो होते हैं ये जैसे हमारी जो सिंपल जॉब्स होती हैं उसके अंदर हमें मंथ में सैलरी मिलती है, टू मंथ्स में सैलरी मिलती है, इस टाइप से कुछ उनकी असेंबल होता है, ठीक है। लेकिन इनको डेली वेज सैलरी मिलती है, हर दिन की, हर दिन के जैसे अभी जितना भी वो वर्क कर रहे हैं उतने रुपए उन्हें मिल जाते हैं। ओके, सो इन्हें मंथली सैलरी नहीं मिलती, ये डेली की इनकी सैलरी मिलती है इन्हें, और इनकी देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी फॉर देम एंड दे कैन नॉट आस्क फॉर बेनिफिट्स एज इन द केस ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। वो क्या नाम है, ज़्यादा अपने बेनिफिट्स को मतलब उन्हें बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं लेकिन इतने भी नहीं किए जाते, ठीक है। दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स फॉर लेस पे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आर्स वर्क करते हैं लेकिन उन्हें उतनी सैलरी नहीं मिल पाती, और इन्हें कैजुअल वर्कर्स भी बोलते हैं, जैसे कि मेसॉन्स और कूलीज, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।